हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उसे हम कवर करने वाले हैं, बट पार्ट वन एंड पार्ट टू में हम कवर करेंगे। तो आज का ये पार्ट वन होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है इकोनॉमिक्स की, तो आखिर ये इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो इकोनॉमिक्स में जो भी हम स्टडी करते हैं, किसी रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, कैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस करना है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का कैसे ग्रोथ करना है हमारी कंट्री का या किसी भी टेरिटरी का, तो उसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इन सारे जो टॉपिक्स हैं इसे हम किस में पढ़ते हैं, कौन से सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो होता है इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक, दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो से ही आपको समझ में आ रहा है, माइक्रो मीन्स जैसे हम पढ़ते हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, वैसे ही माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। माइक्रो का मतलब हो गया जितने भी जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करना, कौन प्रोडक्शन कर रहा है, जो कंज्यूमर्स होते हैं, इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स होते हैं, इनकी जब हम अलग अलग स्टडी करते हैं तो इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एज अ होल, इट मीन्स कौन प्रोडक्शन कर रहा है, कौन कंज्यूमर है, और जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जब उनका एक साथ स्टडी करते हैं तो उसे बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ओरिजिन की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन माना जाता है कि ये एक ग्रीक वर्ड है जो माइक्रोस से बना है, जिसका मतलब होता है स्मॉल, और इसमें हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये जो वर्ड है ये ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है लार्ज, और इसमें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एज अ होल। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट जो आपका आता है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। हमने देखा इकोनॉमिक्स क्या होता है, कितने टाइप का मेनली होता है। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक पूरा सिस्टम है, जो भी ह्यूमंस रिसोर्सेज यूज़ करता है उन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये एक सिस्टम के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। इसे भी हम थ्री टाइप्स का पढ़ते हैं, कैपिटलिज्म जिसे हिंदी में पूंजीवाद कहा जाता है, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि हमारा कंट्री इंडिया। तो हमने जाना कि जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको देखा जाता है, और जो इस सिस्टम को परफॉर्म करता है उसे ही इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। ह्यूमन के नीड्स के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे प्रोड्यूस और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो ये एक सिस्टम के थ्रू होता है, और कहीं भी पब्लिक, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इसे चलाती है, और कहीं पे दोनों मिलकर इसे चलाते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। ओके, तो हमने क्या समझा कि टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ पीपल ऑफ एनी कंट्री और सोसाइटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कौन चलाता है एक इकोनॉमिक सिस्टम? दिस इज अ सिस्टम ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक सिस्टम इन्वॉल्व करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी मैकेनिज्म, पीपल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन, ये सारे इन्वॉल्व रहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में। थ्री टाइप के ये इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। पहला होता है, अभी हमने देखा, कैपिटलिज्म जिसे पूंजीवाद कहा जाता है। दूसरा होता है सोशलिज्म जिसे समाजवाद कहा जाता है। तीसरा होता है मिक्स इकोनॉमी जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वन बाय वन हम इसे अच्छे से देखने वाले हैं। सो कैपिटलिज्म में, कैपिटलिज्म इकोनॉमी के जो फादर हैं वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। सो फादर ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमी इज एडम स्मिथ। जो भी ट्रेड हो रहा है, इंडस्ट्री, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये कंप्लीटली कौन ओन करता है? प्राइवेट कंपनीज। और इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। जो भी प्रोडक्शन और प्राइसेस इसमें लगता है वो डिटरमाइन होता है बाय मार्केट फोर्सेस, जिसे डिमांड और सप्लाई कहते हैं। डिमांड इसका मतलब हम कंज्यूमर्स जो हमेशा डिमांड करते हैं, सप्लाई जो सप्लायर्स होते हैं जो कंज्यूमर्स की नीड को फुलफिल करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई, इसे अभी हम आगे देखेंगे। कैपिटलिज्म जो सिस्टम है इट्स ये फॉलो करता है लेजेस फेयरे फिलॉसफी को, जिसमें इंटरफ्रेंस नहीं होता गवर्नमेंट का बिल्कुल भी। तो कैपिटलिज्म जो सिस्टम है इसमें प्रोडक्शन या कोई भी ट्रेड या इंडस्ट्री हो रहा है इसको कंप्लीटली कौन ओन करता है? प्राइवेट कंपनीज इसको ओन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल US एंड UK, ये तो हमने देख लिया कैपिटलिज्म क्या होता है। कुछ डीमेरिट्स और इसके मेरिट्स भी हैं। क्या इसका फ़ायदा है? तो हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, इनके हाथ में होता है कि ये कितना प्रोडक्शन कर सकती हैं, हाई लेवल का प्रोडक्शन कर सकती हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी एट लो कॉस्ट, लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। डीमेरिट क्या है? लीड्स टू मोनोपोली। कोई एक कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, कोई बिल्कुल नीचे ही रह जाएगी। किसी के अच्छे रिलेशन बन गए किसी के साथ तो वही कंपनी बार बार ग्रो करेगी। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो इनकम हो चाहे वेल्थ में हो। डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में। तो नेक्स्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब क्या होता है? समाजवाद। और समाजवाद में जो भी ट्रेड हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो किसके कंट्रोल में रहता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। अब यहाँ पर जो फादर ऑफ सोशलिज्म है वो कहा जाता है कार्ल मार्क्स को।
कोई भी ट्रेड, कोई भी प्रोडक्शन कौन रेगुलेट करेगा? सो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और इसे सोशलिस्ट और कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट का वर्क क्या रहता है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे, उसका पहले टारगेट रहता है, और इक्वलिटी को मेंटेन करे अमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो सोशलिज्म में पूरा की पूरा कंट्रोल किसका रहता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल रशिया, चाइना। सो ये जो सोशलिज्म सिस्टम है, इसके भी कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स क्या देखने को मिलेगा? एब्सेंस ऑफ मोनोपोली। इसमें आपको एक कंपनी जो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है और दूसरी कंपनी जो नीचे रह जाती है, ये जो सिचुएशन है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत अच्छे से यहाँ पे यूज़ देखने को मिलेगा। एब्सेंस ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन, बिजनेस का जो फ्लक्चुएशन होता रहता है इसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का। डीमेरिट्स की बात करें तो लॉस ऑफ कंज्यूमर सर्विनिटी। अब गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ बना दी, वो जो कंज्यूमर है उसको पसंद आए चाहे ना पसंद आए, तो कहीं ना कहीं उसको वो खरीदना पड़ेगा, तो यहाँ पर लॉस हो जाता है कंज्यूमर सर्विनिटी का। फिक्स जो ऑक्यूपेशंस हैं कि किसी को ये काम अलॉट कर दिया गया, आपको ये काम करना है तो ये काम करना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ अपना जो ऑक्यूपेशन है चेंज नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेसी इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो पूरा पूरा डिसीजन कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी इसमें डिसीजन, और कोई भी लॉ और कोई भी डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक होता है जो डिमेरिट में आता है। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड में ही समझ में आ रहा है कि जिसमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों ही मिलकर वर्क करेंगी, उसे कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी के फादर कहा जाता है एडम स्मिथ को, और इसमें कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक ओनरशिप एंड प्राइवेट ओनरशिप का। तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर काम करती हैं। प्राइवेट ओनरशिप जो है वो काम करती है, बट गवर्नमेंट के इंटरफ्रेंस की वजह से। अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया तभी वो उतना काम कर पाएगी। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा कि उसे कितना इंटरफेयर करना है गवर्नमेंट के साथ मिक्स इकोनॉमी में, जैसे कि हमारा कंट्री इंडिया। तो यहाँ पर आपको प्राइवेट कंपनीज़ भी देखने को मिलती हैं और गवर्नमेंट की कंपनीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं, तो दोनों ही मिलकर काम करती हैं, जैसे मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। यहाँ पर भी कुछ हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मेरिट क्या है कि स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे यूज़ करना है ये देखने को मिलता है। नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, लेबर के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन देखने को नहीं मिलता। डीमेरिट्स क्या है? बैलेंसिंग प्राइवेट एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट इंटरवेनेशन, बैलेंस बना के रखना पड़ता है प्राइवेट एंटरप्राइज और गवर्नमेंट इंटरवेनेशन में। पॉलिटिकल प्रेशर भी कभी कभी मिक्स इकोनॉमी वाले कंट्रीज़ पे आ जाता है। तो हमारा जो इंडिया है, क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, हमारा जो इंडिया है वो कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करता है? तो हमारा इंडिया मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करता है। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड यानी कि मांग, सप्लाई करना इट मीन्स पूर्ति करना। डिमांड का मतलब क्या हो गया? डिमांड करता कौन है? हम करते हैं। इट मीन्स कंज्यूमर करता है, वो भी अफोर्डेबल डिमांड। सो कंज्यूमर अफोर्डेबल डिमांड ज़्यादा करता है, एंड कंज्यूमर जो भी डिमांड कर रहा है उस चीज़ को सप्लाई करना, जो भी कंज्यूमर के डिज़ायर्स हैं। सो डिमांड और सप्लाई होता क्या है? तो डिमांड कंज्यूमर का डिज़ायर है एंड विलिंगनेस है टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन पीरियड और ओवर टाइम। सप्लाई का मतलब क्या हो गया? कि ये एक फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड और सर्विस दैट इज़ अवेलेबल टू कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को जो भी अवेलेबल कराना है, जो सप्लाई कराना है उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, तो क्या कहलाएगा? वो सप्लाई कहलाएगा, और डिमांड जो कंज्यूमर का डिज़ायर है। सो डिमांड और सप्लाई के ऊपर दो लॉ बनते हैं, एक होता है लॉ ऑफ डिमांड, दूसरा होता है लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। सो अभी हमने देखा जो कंज्यूमर है वो हमेशा चाहेगा कि उसको अफोर्डेबल डिमांड उसको मिले, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट वो लेने जाए तो उसको कम प्राइस पे मिले। तो कम प्राइस पे अगर उसे कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होगी। तो प्राइस अगर कम पे मिल रहा है तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? कि जब भी कोई प्राइस है प्रोडक्ट का वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो नीचे चली जाएगी, और इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्राइस है अगर वो बहुत ही ज़्यादा कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड की जाएगी बाय कंज्यूमर। अगर प्राइस बहुत ही ज़्यादा है तो क्वांटिटी ऑब्वियसली कम डिमांड करेगा कंज्यूमर। तो यही कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड, जो आपको ध्यान रखना है। तो व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीजेज देन इट्स डिमांड विल फॉल, एंड व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीजेज देन इट्स डिमांड विल इंक्रीज इन द मार्केट। सो ये लॉ ऑफ डिमांड दो चीज़ों पे वर्क करता है। एक होता है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, जो हमेशा बात करेगा अफोर्डेबिलिटी की, कि उसे कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वांटिटी है, अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाए। सो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर प्राइस है 1 kg टोमेटो या हम मान लें अनियन का 10 rupees पर kg प्राइस है तो जो कस्टमर है वो ईजिली खरीद सकता है। बट अगर वही प्राइस 100 rupees पर kg हो गया तो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो गई, तो कस्टमर सिर्फ 1 kg ही प्याज खरीदेगा, 1 kg ही अनियन को परचेस करेगा।
अगर जो प्राइस है 10 रुपीज़ पर केजी है तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 10 केजी हो गई। इट मीन्स अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो रिलेशन दोनों का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो आपको याद रखना है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑब्वियसली बात है कम खरीदेगा कस्टमर, बट अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा जो लॉ पढ़ते हैं वो है लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब यहाँ पर यही हो गया, जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है उसे ही क्या कहेंगे हम, सप्लाई बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये एक ऐसा लॉ है, लॉ ऑफ सप्लाई, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक थ्योरी का, जो हमें ये बताता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, सारे फैक्टर्स को अगर कॉन्स्टेंट कर दें तो जब प्राइस में इंक्रीज होगा, तो जब भी प्राइस में इंक्रीज होगा तो जो उसकी क्वांटिटी होगी सप्लाई करने की वो बढ़ जाएगी। अब आप ऐसे सोचिए कि जो सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट, तो वो यही चाहेगा कि वो उसके यहाँ जो सप्लाई है वो महंगी बिके। अगर वो मार्केट में देख रहा है कि टमाटर का जो रेट है वो सिर्फ 10 रुपये है, तो वो सप्लाई करना पसंद ही नहीं करेगा। अगर वही टमाटर का प्राइस 100 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा, तो जो सप्लायर होगा वो खुशी खुशी सप्लाई करेगा चीज़ों को। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो क्या हो गया इसका मतलब, इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, एज प्राइस फॉल्स क्वांटिटी सप्लाइड फॉल। तो जब सप्लाई का जो प्राइस है, जो सप्लायर है, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है मार्केट में, तो जो सप्लायर है वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने में। बट अगर वही बहुत ही ज़्यादा महंगी है, प्राइस ज़्यादा है, तो जो सप्लायर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा सप्लाई करने में, क्योंकि यहाँ पर इसको अपना प्रॉफिट दिख रहा है। सो लॉ ऑफ सप्लाई में जो सप्लायर है वो अपना डिमांड देखता है, और लॉ ऑफ डिमांड में जो कंज्यूमर है वो अपना डिमांड देखता है। तो यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं, सप्लायर के पर्सपेक्टिव से उसको प्रॉफिट होना चाहिए, तभी वो कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट सप्लाई करेगा मार्केट में। बट यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हो कि जो रेट है अनियन का या टमाटो का 10 रुपीज़ पर केजी है, तो जो सप्लायर है उसने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और सिर्फ 1 केजी ही क्वांटिटी सप्लाई करी मार्केट में। बट अगर उसका रेट 100 रुपीज़ पर केजी हो गया 1 केजी का, तो सप्लायर इंटरेस्टेड हो गया सप्लाई करने में। तो इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई चलता है। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। सो इस ग्राफ में आप देख रहे हो डिमांड और सप्लाई। तो यहाँ पर जो डिमांड की गई है वो 1 केजी अगर कर रहा है कस्टमर, ओके, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर केजी, इट मीन्स कि 100 रुपये पर केजी कस्टमर को बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है, कंज्यूमर को महंगा लग रहा है, तो उसने डिमांड किया सिर्फ 1 केजी का। बट जो सप्लायर था इसने बोला मैं 10 केजी सप्लाई करूंगा, तो सप्लायर ने 10 केजी सप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 केजी सप्लाई किया और डिमांड कितनी थी 1 केजी की, तो 9 केजी का यहाँ पर सरप्लस आ गया, ओके। अब अगर यही प्राइस 10 रुपीज़ पर केजी चल रहा है अनियन या टमाटर का, तो डिमांड कस्टमर ने या कंज्यूमर ने कितनी करी, 10 केजी करी। 10 रुपीज़ पर केजी चल रहा है तो डिमांड भी कितनी करी, 10 केजी करी। बट सप्लायर जो था उसने बोला इतना कम, तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हुआ और उसने सिर्फ 1 केजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा शॉर्टेज आ जाएगा, क्योंकि चाहिए तो था 10 केजी, सप्लाई कितना किया, सिर्फ 1 केजी सप्लाई किया, ओके। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा, कि डिमांड कुछ और कर रहे हैं सप्लाई वैसा हो नहीं रहा है, इसी तरीके से दोनों को प्रॉफिट नहीं होगा। तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जाता है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में इक्वल हो जाए, कि जितना डिमांड किया जा रहा है उतना ही सप्लाई हो। तो इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। तो क्या कहते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, और इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। सो अब हम देखने वाले हैं माल्थस का थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो माल्थस एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक रिलेशन दिया था पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बारे में। इन्होंने बोला था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा के सारा फूड सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इन्होंने पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बारे में बात किया था। इन्होंने बोला था कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करता है एट द रेट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बट जो फूड सप्लाई है वो कैसे ग्रो करता है, क्या है उसका रेट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रेट से ग्रो करता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक ग्राफ दिया था टाइम और फूड सप्लाई के बारे में, और इन्होंने बताया था कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपके रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म होने लगते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे पॉइंट ऑफ क्राइसिस बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ क्राइसिस के ऊपर आप देख रहे हो तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है, बट जो क्राइसिस के नीचे आप देख रहे हो तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो अभी कम है, तो फूड सप्लाई यहाँ पर ज़्यादा है, बट क्राइसिस पॉइंट के ऊपर फूड सप्लाई कम हो रहा है, तो गैप क्रिएट हो रहा है इनके बीच में। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड हो जाएंगे, फूड सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माल्थस की जो थ्योरी है किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है ये रिलेटेड है पॉपुलेशन और फूड सप्लाई का, एक रिलेशन बताती है माल्थस की थ्योरी, कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स को, ग्राफ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है लाफर कर्व। तो लाफर कर्व क्या होता है? तो लाफर कर्व को डेवलप किया था आर्थर लाफर ने 1974 में, और इन्होंने एक रिलेशन दिया था बिटवीन टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि लाफर कर्व शो करता है कि रिलेशनशिप क्या है जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है किसी भी चीज़ पे, और जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है आफ्टर टैक्स, और टैक्स रेट चेंज होता रहता है हर मंथली। तो हर मंथली जो रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट का वो भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है। सो टैक्स रेट में चेंज आने से कितना रेवेन्यू में चेंज आ रहा है उसे लाफर कर्व कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और इसका जो शेप बनता है इस ग्राफ का, इस कर्व का, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड यू शेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वर्टेड यू शेप बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे है टैक्स रेट, वाई एक्सिस पे है गवर्नमेंट का रेवेन्यू। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज करती है रेवेन्यू बढ़ता रहता है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब गवर्नमेंट के टैक्स इंक्रीज पर रेवेन्यू डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर टैक्स रेट बिल्कुल मैक्सिमम कर दिया गवर्नमेंट ने, और इतना मैक्सिमम कर दिया फिर इसके बाद से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो धीरे 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 रिडक्शन होने लगता है रेवेन्यू जनरेट में। तो इसका रीज़न क्या है? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हमने कोई एक अपना कंपनी खोली या कोई हमने फार्म चलाया, तो फार्म जो है मैंने अच्छा खासा मेरा फार्म चल रहा है, बट गवर्नमेंट उस पे टैक्स बढ़ाती जा रही है उस पर्टिकुलर चीज़ पे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं जो फार्म है मुझे लगेगा अरे गवर्नमेंट तो बहुत टैक्स बढ़ा रही है, तो मैं उसे छोड़ दूंगी काम करना और दूसरे पे चली जाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि मैंने जो पहला अपना काम स्टार्ट किया था उसे छोड़ दिया, तो इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा, वो रेवेन्यू उसका कम होने लगेगा। तो यही बात है कि एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद जब गवर्नमेंट अपना टैक्स इंक्रीज कर देती है तो उसके बाद धीरे धीरे जो रेवेन्यू जनरेट है वो भी कम होने लगता है। तो ये पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर मैक्सिमम जो टैक्स है गवर्नमेंट ने लगा दिया और इसके बाद रेवेन्यू इसका कम होने लगा। सो ये कहलाता है लाफर कर्व, जो शो करता है टैक्स रेट गवर्नमेंट जितना लगाती है और कितना रेवेन्यू जनरेट होता है आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट जो कर्व हम पढ़ते हैं वो है फिलिप्स कर्व, और फिलिप्स कर्व बताता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप। सो इसे डेवलप किया था 1958 में इकोनॉमिस्ट विलियम फिलिप्स ने, और ये शो करता है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच का एक रिलेशन शो करता है, बट कैसा? इन्वर्स रिलेशनशिप ये शो करता है। इन्वर्स का मतलब क्या हो गया? एक चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा हो गया है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ, ये कर्व ये शो करता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा कम है तो इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। सो फिलिप्स कर्व में इन्वर्स रिलेशन बताया है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट का और इन्फ्लेशन का। सो इसे हम क्लियरली ग्राफ से समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज में, वाई एक्सिस पे दिख रहा है इन्फ्लेशन रेट परसेंटेज में। सो ए पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 6% है, और वहीं पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2% है। सो दोनों इन्वर्स रिलेशन शो कर रहे हैं। ऐसे ही जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बी पॉइंट पे वो 3% है, बट जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है। ओके, तो फिलिप्स कर्व क्या बताता है? इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। बट 1970 में ये जो फिलिप्स का कर्व था ये एक कंडीशन जो थी जहाँ पर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था 1970 में, और वहाँ पे स्टैगफ्लेशन लग गया था, और इस कर्व ने वहाँ पर सही से जो ये अपना थ्योरी बताता है इसको फुलफिल नहीं कर पाया था। बट इसको वैलिड माना जाता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन घटेगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों ही इंक्रीज हो गया था 1970 में, और वहाँ पर ये कर्व फेल हो गया था। ओके, बट इस कर्व को वैलिड माना जाता है। तो याद रखना है आपको फिलिप्स कर्व किससे रिलेटेड है? बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का इन्वर्स रिलेशनशिप ये शो करता है। नेक्स्ट जो हम कर्व पढ़ते हैं वो है लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। अब ये जो लॉरेंस कर्व है ये शो करता है इनकम की इनइक्वालिटी को, जो रिच एंड पुअर में जो गैप है उसकी इनइक्वालिटी की बात कर रहा है ये लॉरेंस कर्व। तो ये जो लॉरेंस कर्व है इसे डेवलप किया गया था 1906 में बाय मैक्स लॉरेंस, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनकम की इनइक्वालिटी का। अगर हम बात करें तो जब इसका ग्राफ या इसका जो कर्व ड्रॉ होता है तो जितना जो ये कर्व है अपने जो बेस लाइन से जितना ये दूर रहता है हायर विल बी द इनइक्वालिटी। इसे अभी हम ग्राफ के थ्रू आगे समझेंगे। और इसका जो गिनी कोफिशिएंट है ये भी रिप्रेजेंट करता है इनइक्वालिटी को, बट फिगर्स में। इसका जो रेंज है वो 0 से 1 है, या तो 0% से 100% का ये गिनी कोफिशिएंट शो करता है इनइक्वालिटी को। तो यहाँ पर हम ग्राफ से और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर आप एक्स एक्सिस पे देख रहे हो जो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को। तो यहाँ पर आप लाइन ऑफ इक्वालिटी देख रहे हो जो 45 डिग्री पे बनी हुई है। सो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को।
तो यहाँ पर जब हमारे पास गिवन डाटा होता है और जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, और जब इन्हें कनेक्ट करते हैं तो ये एक ऐसा कर्व बन के आता है जिसे लॉरेंस कर्व कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन है 50, सो यहाँ पर जो इनकम जनरेट हो रही है वो बस 20 ही जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक इनइक्वालिटी डेवलप हो जाती है बिटवीन रिच एंड पुअर में, और ये जो एक कर्व बन के आता है इसे बोलते हैं लॉरेंस कर्व। और जो ये गैप जनरेट हो गया है लाइन ऑफ इक्वालिटी के बीच में, इसे बोला जाता है इनइक्वालिटी गैप। और गिनी कोफिशियंट अगर कर्व नहीं है, ये फिगर्स में काउंट होता है, अगर किसी का गिनी कोफिशियंट 0.02% है और किसी कंट्री का गिनी कोफिशियंट 0.3% है, तो 0.3% वाली जो कंट्री है वहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर लॉरेंस कर्व बताता है इनइक्वालिटी, इनकम की इनइक्वालिटी जो कहाँ से निकल के आती है, रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है उसकी इनइक्वालिटी को बात करता है लॉरेंस कर्व। ये जो कर्व है इसे बोला जाता है लॉरेंस कर्व। नेक्स्ट जो कर्व है वो है क्यूज नेट का कर्व, और ये जो कर्व है ये रिलेशन शो करता है ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी के बीच में। इसे डेवलप किया गया था 1950 में बाय इकोनॉमिस्ट साइमन क्यूज नेट, और ये शो करता है रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी के बीच में। अब यहाँ पर जो इसका शेप बनता है ये भी इन्वर्टेड यू शेप का बनता है, तो यहाँ पर हम ग्राफ से और इजीली समझ सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे आपकी बात हो रही है जीडीपी की यानी कि ग्रोथ की, और वाई एक्सिस पे बात हो रही है इनइक्वालिटी की। अब यहाँ पर भी आपका ग्रोथ और इनइक्वालिटी के बीच में ये रिलेशन बताता है क्यूज़नेट कर्व। अब यहाँ पर जो जीडीपी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि इनइक्वालिटी रिड्यूस होने लगती है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो जो इनइक्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी और आ जाती है जैसे जैसे जीडीपी बढ़ने लगती है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर जीडीपी के बढ़ने से जो इनइक्वालिटी है वो धीरे 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 कम होने लगती है। सो हमने क्या देखा कि एक्स एक्सिस पे जीडीपी यानी कि ग्रोथ बता रहा है और वाई एक्सिस पे इनइक्वालिटी को शो कर रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जीडीपी बढ़ते बढ़ते फिर धीरे धीरे जो इनइक्वालिटी है वो कम होने लगती है, और ये भी इन्वर्टेड यू शेप बनता है। इससे क्या बोला जाता है, क्यूज़नेट का कर्व बोला जाता है। और जो किसी भी कंट्री का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए वहाँ का जीडीपी या ग्रोथ इंक्रीज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये हमने चार इंपॉर्टेंट कर्व पढ़े, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं जीडीपी और नेशनल इनकम के बारे में। क्या होता है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। अब भारत की टेरिटरी के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कैलकुलेट करते हैं 1 ईयर में, उसे ही जीडीपी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो टोटल फाइनल वैल्यू होता है गुड एंड सर्विसेज का डेट हैव प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट नेशन इन 1 ईयर इज नोन एज जीडीपी। ओके, ये तो हो गया हमारा जीडीपी कि भारत की टेरिटरी के अंदर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं 1 ईयर में, उसे ही कहा जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल इनकम। कई बार इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि नेशनल इनकम है क्या। तो नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, और ये एक कमेटी बनाई गई थी नेशनल इनकम कमेटी, कब फॉर्म हुई थी 1949 में। तो याद रखना है आपको नेशनल इनकम कमेटी, इसको फॉर्म किया गया था 1949 में। फॉर्मूला इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो नेशनल इनकम के फॉर्मूले तक पहुँचने के लिए कई सारे फॉर्मूले या छोटे छोटे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट लिखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको जीएनपी कहा जाता है। अब ये जो जीएनपी है ये कैसे निकलता है, जब हम जीडीपी में प्लस करते हैं एक्स को और माइनस करते हैं एम को। अब ये एक्स और एम क्या है, तो एक्स का मतलब हो गया जो भी इनकम अर्न कर रहा है हमारे इंडिया का, कोई बाहर अगर रह रहा है ओके, तो उस वो जो इनकम अर्न कर रहा है कोई भी कंट्री मैन एब्रॉड में जाके, वो हो गया एक्स। एम का मतलब क्या हो गया, इनकम अर्न कर रहा है कोई भी फॉरनर हमारी कंट्री में। अब हमारी कंट्री में कोई भी फॉरनर कितना भी इनकम अर्न करे उससे कोई मतलब नहीं है, उसे हम कर देते हैं माइनस ओके। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना है, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अगर जो एक्स है वो एम के इक्वल हो जाता है तो जीएनपी जो है वो जीडीपी के इक्वल हो जाएगी। तो एक्स अगर एम के इक्वल हो गया तो जीएनपी जीडीपी के इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें जीएनपी पता होना चाहिए नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए। दूसरा हम क्या याद रखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट को एनएनपी कहा जाता है। हमने निकाला जीएनपी जब हमने जीडीपी में प्लस किया एक्स को और माइनस किया एम को, तो हमें मिल गया जीएनपी। अगर हमें एनएनपी निकालना है तो जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं और हमें मिल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। थर्ड, अब फाइनल हम आ जाते हैं नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम अगर हमें निकालना है तो जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट के प्राइस पे, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस कर दें तो हम पहुंच जाते हैं नेशनल इनकम पे ओके। सो ये तीन इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं छोटे छोटे, ये आपको याद रखना है नेशनल इनकम निकालने के लिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम। अब एक बार हम फाइनल देख लेते हैं क्या है ये। तो जीएनपी, जीडीपी में से जब हमने माइनस किया फॉरेन इनकम को, अब फॉरेन की इनकम क्या हो रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हमने कर दिया माइनस। प्लस क्या करेंगे, इनकम ऑफ इंडियंस आउटसाइड इंडिया, तो हमें क्या मिल गया, जीएनपी मिल गया। अब एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जो अभी हमने जीएनपी निकाला इसमें से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, राइट। अब नेशनल इनकम पर पहुंचने के लिए जो अभी हमने एनएनपी निकाला उसमें से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। तो इस तरीके से आप नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा जो फॉर्मूला है उसको ईजी बनाया मैंने कि आप इसको ईजिली कर पाओ और समझ पाओ। अगर आपसे कोई पूछे पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे अगर पॉपुलेशन से, सो हमें क्या मिल जाएगा, पर कैपिटल इनकम मिल जाएगा। तो ये था नेशनल इनकम, जीडीपी, एनएनपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। होता क्या है ये राजकोषीय नीति, सो कितना मनी कहाँ स्पेंड करेंगे, मनी कहाँ से आएगा, इस पूरी स्टेटमेंट को हम बजट बोलते हैं। बजट में यही होता है, आपको बताया जाता है कि कितना मनी आया है, कितना मनी हम स्पेंड करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में। सो गवर्नमेंट बजट में कितना मनी खर्च करने वाली है, स्पेंड करने वाली है, इसके बारे में बताती है। सो फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति इज ऑल अबाउट स्पेंडिंग एंड अर्निंग। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, और इसको कौन देखता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको मौद्रिक नीति भी कहा जाता है। सो ये जो मौद्रिक नीति है ये क्या होता है, एक एक्शन होता है टू कंट्रोल नेशंस ओवरऑल मनी सप्लाई एंड अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। और मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो इंक्लूड करती हैं रिवाइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड चेंजिंग बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो अभी हम इसे अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, प्राइस को स्टेबिलिटी रखना, प्राइस में स्टेबिलिटी रखना, इट मीन्स कंट्रोल करके रखना इन्फ्लेशन को। और ये काम किसका होता है, आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाती है तब ये मेंटेन कर पाती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। सो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किससे रिलेटेड है, कि कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, और आरबीआई जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट की। तो आरबीआई देखता है मॉनेटरी पॉलिसी को। अब इसमें एक टर्म होता है सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसकी वैल्यू होती है 2 से 6% के बीच में, अगर इसके बीच में है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तब कहा जाता है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो कंट्रोल में है। सो इसे हम बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी हमने देखा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। तो अगर 2 से 6% के बीच में है तो आरबीआई कहती है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 7% हो जाता है, 6% से थोड़ा भी बड़ा, 7% हो जाता है, तो आरबीआई के पास बहुत से टूल्स होते हैं जैसे कि आरआरआर, एसटीएफ, सीआरआर, पहले भी आपने पढ़ा होगा, जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। सो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, बैंकों के पास जाता है, बैंकों को बोलता है कि जितना तुम लोन दे रहे हो उसे कम कर दो। अब ये कम कैसे होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो 7% पे प्रेजेंट में लोन दे रही है बैंक, तो आरबीआई क्या बोलेगा, इसको इंक्रीज कर दो, 13% कर दो। इससे होगा क्या कि बैंक से लोन कम मिलेगा लोगों को, उनके हाथ में पैसा कम आएगा। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो जो लोग होंगे वो यही चाहेंगे, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोन क्यों लेंगे, सो वो नहीं लेंगे। तो लोन नहीं लेंगे तो उनके हाथ में पैसा कम आएगा और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। देन लोगों का जो डिमांड है कोई चीज़ परचेस करने का वो भी कम हो जाएगा। सो आरबीआई के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं और जिसमें वो बैंक को कंट्रोल कर पाता है, उनके लोन पे कंट्रोल करके रखता है। ओके, तो हमने क्या समझा कि 7% है, अगर 2 से 6% के ऊपर चला जाता है, कंज्यूमर परफॉर्मेंस इंडेक्स बढ़ जाता है 7%, तो इस तरीके से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखती है। अगर 2% से कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम है किसी चीज़ की। अब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, डिमांड बहुत कम है, तब आरबीआई क्या करेगा, वो बैंक से बोलेगा कि जो लेंडिंग रेट है उससे तुम कम कर दो, अगर तुमने 13 कर रखा है तो उसको 6% कर दो, तब लोगों के हाथ में पैसा आने लगेगा और डिमांड बढ़ेगा। इस वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन फिर से मेंटेन हो जाएगा। अगर 6% से ऊपर गया है सीपीआई तो क्या बोलेगा बैंक, कि ऐसा है इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल में करना है तो बैंक रेट बढ़ा दो कि लोगों के हाथ में पैसा ना आए। अगर ये जो सीपीआई है 2% से कम चला गया
तो बैंक क्या बोल रही है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसे कम कर दो कि लोग खरीद पाएं, और खरीद पाएंगे तो जो इन्फ्लेशन है वो मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखती है, और मॉनेटरी पॉलिसी किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है। तो आरबीआई इसको रेगुलेट करता है पूरी तरीके से। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि एफडीआई क्या होता है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत सुना होगा आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सीधा सा मतलब है फॉरेन की जो कंट्रीज हैं वो इंडिया में अपने कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, हमारे बिजनेस में फॉरेनर ने इन्वेस्ट किया, इसे ही एफडीआई बोलते हैं। और एफडीआई इंडिया में 100% अलाउ है, बट किसी न किसी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं। तो एफडीआई मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और एंटिटी ऑफ अ कंट्री इनटू कंपनी और एंटिटी ऑफ अनदर कंपनी। सो इन्वेस्टमेंट जो होता है किसी भी कंपनी का हमारी कंट्री में या किसी भी कंपनी का दूसरी एंटिटी में, इसे ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो किसी देश की कंपनी या इकाई द्वारा किसी अन्य कंपनी की कंपनी या इकाई में किया गया निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब ये जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर होते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं रेसिडेंट के बिजनेस में, ओके तो इसे ही एफडीआई बोला जाता है। अब एफडीआई के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टेड इन इंडियन कंपनीज, इन्वेस्ट किया जाता है इंडियन कंपनीज में, कोई बाहर की कंपनी को होगी तो वो इन्वेस्ट करेगी इंडियन कंपनीज में। टू हैव मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल भी होगा प्रॉपर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है लॉकिंग पीरियड, एक पीरियड के लिए लॉक हो जाता है वो इन्वेस्टमेंट। एनी इन्वेस्टमेंट अबव 10% इन इंडियन कंपनी, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 10% से ज़्यादा है इंडियन कंपनी में तो उसे क्या कहा जाएगा, एफडीआई कहा जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है अब सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये सेबी क्या है, तो इंडिया में जो भी सिक्योरिटीज मार्केट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ओन करती है, उसी को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का होता है, जिसे हम शॉर्ट में सेबी बोलते हैं। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1988 में, और अब ये एक स्टैट्यूटरी पावर इसको मिल गई थी 30 जनवरी 1992 में, और इसके वजह से ये एक क्या बन जाता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है। कौन से एक्ट के थ्रू, सेबी एक्ट 1992। तो पहले इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1988 में, फिर इसको 1992 में सेबी एक्ट 1992 के तहत इसे एक स्टैट्यूटरी पावर्स मिली और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुका है। तो सेबी क्या काम करता है, जो सिक्योरिटीज मार्केट है इंडिया में जिसे गवर्नमेंट देखती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। और सेबी के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। सबसे पहले आप देखो, हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की, स्टॉक एक्सचेंज में ही हम पढ़ते हैं निफ्टी और सेंसेक्स। स्टॉक एक्सचेंज आके होता क्या है, तो ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर जो शेयर्स होते हैं कंपनी के उनको खरीदा या बेचा जाता है, इस प्लेस को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। क्या है स्टॉक एक्सचेंज, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर जो शेयर्स हैं कंपनीज के उनको खरीदा या बेचा जाता है, इसे बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसे कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था 1875 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसी तरह जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया है, मुंबई में। अब बात करेंगे हम सेंसेक्स एंड निफ्टी की, होता क्या है ये सेंसेक्स और निफ्टी। सो ये दोनों ही एक तरीके के इंडेक्सेस होते हैं, एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, इसको चेक करने के लिए सेंसेक्स एंड निफ्टी एक इंडेक्सेस बनाए गए हैं। सो टू चेक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज शेयर इज कॉल्ड सेंसेक्स एंड निफ्टी, और ये दोनों ही क्या है, एक इंडेक्सेस हैं। जो सेंसेक्स है ये निफ्टी है, ये किसके लिए काम करता है, ये किसका इंडेक्स शो करता है। तो अभी हमने दो स्टॉक एक्सचेंज पढ़े, एक हमने पढ़ा बीएससी, एक हमने पढ़ा एनएससी। सो जो सेंसेक्स है ये इंडेक्स है बीएससी का, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और ये जो निफ्टी है ये इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। सो आपको याद रखना है सेंसेक्स किससे रिलेटेड है, बीएससी से, निफ्टी रिलेटेड है एनएससी से, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अब हम देखने वाले हैं एमएसपी, जिसको बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको दिया जाता है, तो अभी आपने यहाँ पर देखा ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर गेहूं वगैरह बना हुआ है, इट मींस ये किसके लिए है, किसानों के लिए है। है क्या ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये स्टैंड करता है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, और ये एक ऐसा प्राइस होता है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है ये परचेस करती है क्रॉप्स को फार्मर से। तो जो भी क्रॉप्स वगैरह होती हैं तो गवर्नमेंट इनको परचेस करती है फार्मर से, मतलब मिनिमम प्राइस, यानी कि प्राइस चाहे जितना भी घट जाए एक मिनिमम प्राइस जो है गवर्नमेंट देगी ही फार्मर्स को, ये वो प्राइस कहलाता है
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट इस मिनिमम प्राइस पे जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करेगी। तो ये एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट एनी स्टीप फॉल इन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो जो भी कृषि उत्पादक की जो प्राइसेस वगैरह हैं तो उसमें जो अचानक से गिरावट आ जाती है, जो फॉल हो जाता है, तो इसके खिलाफ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनके जो सामान वगैरह हैं उनको, चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था एमएसपी का। सो ये जो एमएसपी है, जब फसल स्टार्टिंग में लगाया जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये डिसाइड कर लेती है कि किस किस जो क्रॉप है आपको इस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। और इसको डिसाइड करता है ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था, तो गिवन बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसे CACP कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये किसके रिकमेंडेशन पे चलता है। सो आपको ध्यान रखना है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसे कहा जाता है CACP। तो CACP का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कृषि लागत और कीमत आयोग। नेक्स्ट है अब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम डायरेक्ट बोलते हैं क्या, महंगाई। अब इन्फ्लेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया किसी भी कॉमोडिटी का एंड डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, खरीदने की क्षमता कम हो जाए, और फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी, अगर जो मनी की वैल्यू है वो कम हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोला जाएगा। अब इसे हम और अच्छे से समझते हैं। तो आपको सपोज करना है कि पूरे कंट्री में सिर्फ 1 kg अनियन है या सिर्फ 1 kg टोमेटो है। अब इसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो हमने मान लिया इसको खरीदने के लिए 4 लोग हैं। अब ये जो 1 kg जो टोमेटो है ये 10 रुपये का मिल रहा है, 10 रुपये पर kg। अब इसके पास जो 4 लोग हैं, 4 में से पहला जो पर्सन है वो आया जो टमेटो को बेच रहा है, जो टमेटो का सप्लाई कर रहा है उसके पास गया और बोला कि मुझे ये जो टमेटो है इसको दे दो। तो इसने इसको टमेटो इसका पैक कर रहा था, फिर क्या हुआ, सडनली एक दूसरा आदमी आ गया और इसने बोला कि मुझे ये टमेटो दे दो, और जो भी बेच रहा है टमेटो उसके कान में जाके कह दिया मैं तुम्हें इसके 100 रुपये दूंगा। अब क्या होता है, फिर इसी तरीके से तीसरा पर्सन आ जाता है, वो कहता है मैं तुम्हें इस 1 kg जो टोमेटो है मैं तुम्हें इसके 1000 रुपये दूंगा। इसी तरीके से जो चौथा पर्सन है वो आ जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हें इसके 1500 रुपये दूंगा। तो इस वजह से क्या हो गया कि ये जो 1500 रुपये इसने बोला 1 kg टोमेटो का, जो क्योंकि इसकी डिमांड थी और इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अब इन चारों के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, तो ये इजिली 1500 रुपये दे के उस टमेटो को खरीद लेंगे 1 किलो। तो यहाँ से क्या हो गया कि उस टमेटो का जो प्राइस था वो 1500 रुपये पहुंच गया, जो सिर्फ कितने रुपए था, जो सिर्फ 10 रुपए था वो 1500 रुपये पहुंच गया। तो ये हो गया इन्फ्लेशन की महंगाई इस तरीके से बढ़ गई। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो 1500 रुपये था उसकी जो वैल्यू थी वो घट गई, क्योंकि जो 10 रुपए का जो टमाटो था वो कितने में बिक रहा है, 1500 में बिक रहा है। तो यहाँ पर जो 1500 जो मनी था उसकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई। तो इन्फ्लेशन का मतलब यही हो गया कि कोई कॉमोडिटी है उसके प्राइस में इंक्रीज हो गया और जो वैल्यू है मनी की वो डिक्रीज हो गई, इसे ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप देखो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं, ये 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाता है मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जिसे शॉर्ट में MPEDA बोलते हैं, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू 1992, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसे अभी हमने देखा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसे भी हमने देखा, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। सो आज जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े उस पे बेस्ड जो PYQ आपके पूछे गए हैं SSC के एग्जाम में उसे हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मालथस थ्योरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, मालथेसियन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो किससे रिलेटेड है ये थ्योरी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पॉपुलेशन। तो इन्होंने क्या बोला था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इन्होंने क्या बोला था कि पॉपुलेशन जो है वो कैसे उसमें ग्रोथ हो रही है, वो कैसे इंक्रीज हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ओके। बट जो फूड सप्लाई है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में। और इनकी एक बुक है जो 1798 में पब्लिश हुई थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो ये बुक भी आपको याद रखना है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसी में ही इन्होंने इसकी बात की थी। और इन्होंने बोला था पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, 18th century में इन्होंने ये अपना थ्योरी दिया था, ये प्रिंसिपल दिया था, ओके। किससे रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड
इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन द सेम, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मांग के नियम के अनुसार, अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है, एक होता है नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसे, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो क्वांटिटी जो होगी डिमांड की वो घट जाएगी, ओके। अगर प्राइस बहुत कम है तो क्वांटिटी जो होगा डिमांड का वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, जिसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन भी है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। सो जो इन्वर्स रिलेशन है, जिसको रेसिप्रोकल रिलेशन भी बोल सकते हैं, इन्वर्स रिलेशन है, एक नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और प्राइस के बीच में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉरेंज कर्व शोज। अब लॉरेंज वक्र जो है ये क्या दर्शाता है, तो आप देखो अभी हमने इतने सारे कर्व पढ़े, तो लॉरेंज कर्व किसको शो करता है, तो ये शो करता है आपका इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू वेरिएबल्स हुज रिलेशनशिप इज गिवन बाय द एनवायरमेंटल क्यूज़नेट कर्व। ये दो चर कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण क्यूज़नेट वक्र द्वारा दिया जाता है। तो आप देखो अभी हमने पढ़ा था क्यूज़नेट कर्व पढ़ा था, लेकिन वो एनवायरमेंट का नहीं था, तो जो क्यूज़नेट ने अपना कर्व दिया था उसी से रिलेटेड है एनवायरमेंटल का क्यूज़नेट कर्व। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पर कैपिटा इनकम। ओके, सो ये जो एनवायरमेंट का एक कर्व है, जो क्यूज़नेट एनवायरमेंटल कर्व है, तो ये एक हाइपोथेटिकल रिलेशन है बिटवीन एनवायरमेंट और इकोनॉमी के बीच में, और इकोनॉमी किसका, पर कैपिटा इनकम के बीच में। क्या कहता है ये कर्व, तो ये कर्व ये बोलता है कि जब किसी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम कम होती है तो वहाँ पे पॉल्यूशन भी कम होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम होता है। बट अगर वो कंट्री धीरे धीरे अपने आप को डेवलपिंग कंट्री में आने लगती है, डेवलप करने लगती है, तो वहाँ पर वो अपना पर कैपिटा इंक्रीज करेगी, सोसाइटी और इंडस्ट्रीज और ज़्यादा इस्टेब्लिश करेगी, इससे क्या होता है जो एनवायरमेंट है वो और ज़्यादा डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ती है बट इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि एक सर्टेन पॉइंट आता है जब लोगों को लगने लगता है कि अरे अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए हम तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा, हम इन्वायरमेंट को बेकार कर रहे हैं, तो लोग अपने जो तरीके हैं उसको चेंज करने लगते हैं। तो यही रिलेशन बताया है किसने, क्यूज़नेट के इन्वायरमेंटल कर्व ने, किसके बीच में, जो एन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है किसकी वजह से, पर कैपिटा इनकम की वजह से। सो यहाँ पर तीन स्टेजेस होते हैं, यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हो तीन स्टेजेस होते हैं किसके, क्यूज़नेट के कर्व के। पहला है प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तो यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो एनवायरमेंट पे इफेक्ट है इतना ज़्यादा नहीं है। बट ये जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर जो एनवायरमेंट का डिग्रेशन है सबसे ज़्यादा हो जाता है, और इसके बाद से जो पोस्ट इंडस्ट्रियल है यहाँ पर धीरे 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 जो एनवायरमेंट का डिग्रेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि लोग अपने जो मेथड हैं, वेज हैं, उसको चेंज करने लगते हैं। तो यही है क्यूज़नेट का एनवायरमेंटल कर्व, जो एक हाइपोथेटिकल रिलेशन है बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन का। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इकोनॉमिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे पहले तो होती क्या है, इसे अभी हम देखेंगे, और ये थ्योरी कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉट फ्राइड गैबलर। ओके, तो आप देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये क्या है, कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव। कहने का मतलब है आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक चॉइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और सेकंड चॉइस उससे थोड़ी सी कम अच्छी है, राइट। तो जो आपकी सेकंड चॉइस है उसे ही क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव किसने दिया था, सो ये थ्योरी किसने दिया था, गॉटफ्रिड हैप रलर ने दिया था, याद रखना है आपको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है और किसकी ये थ्योरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ फॉर द ईयर अ कंट्रीज GDP वॉज 1315 मिलियन, कंज्यूमर स्पेंडिंग वॉज 900 मिलियन, इन्वेस्टमेंट बाई बिजनेस वॉज 180 मिलियन, एक्सपोर्ट वर 85 मिलियन एंड इम्पोर्ट वर 100 मिलियन, कैलकुलेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब आपको यहाँ पे बताना है गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड दिया, कितना स्पेंड किया, अलग अलग डाटा आपको दे रखा है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट हुआ बिजनेस में, कितना स्पेंड किया कंज्यूमर में। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया, ओके। तो आप देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका करेक्ट आंसर है $250 मिलियन, राइट। सो आप देखो GDP अभी हमने पढ़ा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो GDP का एक फॉर्मूला होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। हिंदी में देखें तो GDP को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब नेट किसी का निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, निर्यात माइनस आयात, इट मीन्स निर्यात कितना किया हमने, कितना आयात हुआ, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे आपस में तो हमें नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाएगा, राइट। तो GDP को आप देखो क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला C+I+G+X-M।
तो जितनी भी डाटा दे रखी है, जीडीपी कितना दे रखा है, 1315 डॉलर दे रखा है मिलियंस में, ओके। कितना कंजप्शन हुआ, 900 दे रखा है। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 180 दे रखा है। अब यहाँ पर आपसे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग पूछा है, तो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को जी से गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कर लिया, एब्रिविएशन जी हो गया। और यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट पूछा है, ओके, तो हमने निर्यात कितना हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, इम्पोर्ट हुआ, दोनों को लगा दिया, राइट। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 250 मिलियन डॉलर आया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जीडीपी इक्वल्स टू कंजप्शन, कितना कंजप्शन हुआ, प्लस इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, प्लस नेट एक्सपोर्ट, ओके। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया, और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय नीति नहीं है। तो आपका हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार ऑपरेशन। सो आप देखो, टैक्सेशन, कर, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये तीनों ही आते हैं फिस्कल पॉलिसी में, बट ओपन मार्केट के जो ऑपरेशन है ये फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अभी हमने पढ़ा, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उसका मेन एम क्या है, क्या है इसका मेन एम, तो मेन एम इसका क्या है कि प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना इसका मेन टारगेट है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिमांड कर्व, यानी कि जो मांग का वक्र है वो कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है, आपको इसका करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, ओके। डिमांड कर्व, तो हमने डिमांड पढ़ा था, राइट, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शोज दैट एज द प्राइस ऑफ अ गुड्स इंक्रीज डिमांड फॉर द गुड विल डिक्रीज। तो ये दर्शाता है डिमांड का कर्व, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे ही उस वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी, ओके। अगर प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली जो डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर को हमेशा अफोर्डेबिलिटी चाहिए, उसे हमेशा कम प्राइस में चीज़ें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट यूज फॉर, तो गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। गिनी कोफिशिएंट हमने पढ़ा लॉरेंस कर्व के साथ, ओके, तो गिनी कोफिशिएंट किसको डिनोट करता है, टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी, कितना इनकम में इनइक्वालिटी आई है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ओके, तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिसक्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रचंड बेरोजगारी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो आप देखो, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कई सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहले आप देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है जानते हैं आप लोग, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कोई वर्कर कहीं पर काम कर रहा है लेकिन उसने उस काम को छोड़ के वो दूसरी जगह पे चला गया न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसने क्या कर लिया, ट्रांजिशन कर लिया अपने वर्क का, ओके, ओल्ड जॉब से न्यू जॉब पे वो चला गया, तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब हो गया एक लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट चली आ रही है, इट मीन्स कि इकोनॉमी में कुछ और चल रहा है, ओके, और जो वर्कर हैं उनको काम कुछ और आता है, तो उनका जो एक अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत लंबे टाइम तक बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मिसमैच हो गया उनका जो वर्क है और कंपनी की जो नीड है, तो इसको स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। थर्ड है आपका डिसक्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि देखने से तो लगता है कि हाँ ये एम्प्लॉयड है बट रियल में वो अनएम्प्लॉयड है, राइट। सो ये अफेक्ट करता है इकोनॉमिक के आउटपुट पे, जैसे कि इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, तो एग्रीकल्चर ही इसका एग्जांपल है, तो आप देखते हो एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा वर्क होता है बट एग्रीकल्चर की रियल में क्या इस टाइम सिचुएशन है तो आप लोग जानते ही हैं, ओके, तो देखने से तो लगता है कि हाँ ये एम्प्लॉयड है बट ये अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो इन टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। सो डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट एक प्राइमरली ट्रेस टू द एग्रीकल्चर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ओके, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो इसमें आता है, डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट में आता है, और जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के वो भी किसमें आते हैं, डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रचंड बेरोजगारी में। नेक्स्ट है आपका वोकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये हो गया कि कोई जो इंसान है, कोई जो वर्कर है ना, तो उसको वर्क करने का मन नहीं कर रहा, क्यों नहीं मन कर रहा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वर्क प्लेस नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपनी जॉब को, क्योंकि कोई भी रीज़न हो सकता है कि उसको एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आ रहा, उसको जो पे स्केल है वो पसंद नहीं आ रहा, ओके, तो जो उसके डिज़ायर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं है, तो ये वोकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो ये टाइप जो है अनएम्प्लॉयमेंट के आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इकोनॉमिक्स ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, तो किसके कंट्रोल में होते हैं, ऐसा कौन सा सिस्टम पढ़ा था हमने इकोनॉमिक का, तो सोशलिस्ट समाजवादी, राइट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिक्स इकोनॉमी इज, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? सो मिक्स इकोनॉमी क्या होता है कि एक ऐसा इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है और प्राइवेट भी मिलकर काम कर रहे हैं. ओके, सो अ मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड इन विच फ्री मार्केट को एग्जिस्ट विद गवर्नमेंट इंटरवेनेशन. सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड डैश इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इन टू बिजनेस इंटरलोकेटेड इन अनदर कंट्री. एक देश में एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश. तो व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश क्या कहते हैं? तो आप देखो, हमने क्या पढ़ा था, FDI पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा FDI. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई बाहर की कंपनी आई, उसने आके इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो राजकोषीय नीति कौन तय करता है, तो कौन करता है यहाँ पर, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, सेबी क्या है? ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा. सो आप देखो, सेबी पहले नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था. ओके, बट 1992 में एक्ट आया और उसके बाद ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज हैज इट्स इंडेक्स नेम्ड एज सेंसेक्स? ओके, तो सेंसेक्स किसका नाम है, कौन से स्टॉक एक्सचेंज का? तो अभी हमने इसको पढ़ा था, किसको कहा जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर के शनमुखम शेट्टी. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इज रिकमेंडेड बाय, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ओके, ये किसके द्वारा अनुशंसित करता है, कौन इसको करता है? सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत और मूल्य आयोग. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? इसकी बात हो रही है NDP की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, सो आप देखो, इतने सारे अभी हमने फॉर्मूले पढ़े तो आप इसको इजीली कर पाओगे. तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, GDP माइनस डेप्रिशिएशन. ओके, तो GDP में से जब हम डेप्रिशिएशन माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, व्हाट डज GNP स्टैंड फॉर? GNP का क्या अर्थ है, क्या इसका फॉर्मूला है? तो GNP का मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हेन डज एन अनडिजायरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम अगर, अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किस चीज़ के बीच में, जब अनडिजायरेबल बैलेंस हो जाता है पेमेंट के बीच में. ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट. ओके, तो आप देखो, अनडिजायरेबल बैलेंस जो है वो बन जाता है जब पेमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है, जब इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाता है कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट. ओके, सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन, जो मुद्रा स्फीति है वो कब एग्जिस्ट होती है, ये आपको बताना है. ओके, तो इन्फ्लेशन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, तो इन्फ्लेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा. देर इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ओवर टाइम, तो समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, राइट, तो इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन इकोनॉमी हुज 50% और मोर प्रोड्यूस वैल्यू कम्स फ्रॉम द सेक्टर. उस औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका 50% या अधिक उत्पादन मूल्य डैश क्षेत्र से आता है. तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा. ओके, तो आप देखो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब आप लोग को पता होगा. ओके, सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सेकेंडरी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स इन इंडिया? वही क्वेश्चन है आपसे, अलग तरीके से पूछा है, तो कौन रिकमेंड करता है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, कौन इसको पब्लिश करता है? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, IMF करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट, राइट. सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग. सो अभी जो हमने कर्व पढ़े थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लाफर कर्व, फिलिप्स कर्व, लॉरेंस कर्व, क्यूजनेट कर्व. तो आपको बताना है कौन सा कर्व क्या बताता है. सबसे पहला है लाफर कर्व. लाफर कर्व हमने क्या पढ़ा था कि लाफर कर्व डिनोट करता है चेंज इन टैक्स रेवेन्यू को, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. ऐसे ही सेकंड हमने पढ़ा था फिलिप्स कर्व. अब फिलिप्स कर्व किसको डिनोट करता है, सो फिलिप्स कर्व डिनोट करता है
अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन को। ऐसे ही हमने पढ़ा था लॉरेंस कर्व, और लॉरेंस कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है? इनकम की इनइक्वालिटी को। हमने पढ़ा था क्यूज नेट कर्व, तो क्यूज नेट कर्व किसको डिनोट करता है? ग्रोथ और अनइक्वालिटी को। सो लॉरेंस कर्व डिनोट करता है इनकम इनइक्वालिटी को, एंड क्यूज नेट कर्व डिनोट करता है ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी को। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ए, सेकेंड का सी, थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर आपको लेफ्ट से राइट को मैच करना है कहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। ओके, तो सेकेंड का ए हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सेकेंड का ए हो जाएगा। थर्ड है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिलीपींस। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ SARC, SARC का कहाँ पे है? काठमांडू। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और सारे पॉइंट्स इजीली समझ में आया हो। ओके, सो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सपोर्ट करो। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।